अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का एक हफ्ते से चल रहा जागरूकता अभियान आज समाप्त हुआ। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने होटल सारस चौराहे पर एक नुक्कड़ नाटक किया, जिसमें उन्होंने पर्यावरण के संरक्षण के साथ मानव जीवन के स्वस्थ और सुरक्षित रहने का संदेश दिया। कार्यक्रम में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हाथ में पर्यावरण संरक्षण से संबंधित तख्तियां लेकर यह संदेश देने का प्रयास कर रहे थे कि कोरोना महामारी का प्रकोप जब बढ़ा तो ऑक्सीजन की जरूरत महसूस हुई, लेकिन अगर पर्यावरण सुरक्षित रहे तो आम जनमानस को शुद्ध ऑक्सीजन उपलब्ध होती रहेगी और शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। विद्यार्थी परिषद की नगर अध्यक्ष डॉक्टर मीनाक्षी सिंह और विभाग संगठन मंत्री आशुतोष कुमार ने कहा कि विद्यार्थी परिषद पूरे भारत में लोगों को पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए व संरक्षित करने के लिए जागरूक करना चाहती है। आइए आपको भी सुनवाते हैं क्या कहा नगर अध्यक्ष व विभाग संगठन मंत्री ने। क्या परिचय है आपका? नमस्कार, मैं डॉक्टर मीनाक्षी सिंह, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की नगर अध्यक्ष हूँ। हमने 5 जून से लेकर एक अभियान, जागरूकता अभियान हमने शुरू किया था, जिसका आज समापन हमने किया है। बहुत ही शांतिपूर्वक तौर से हमने समापन किया है और हम एक संदेश देना चाहते हैं सभी भारतवासियों को कि सभी पेड़ लगाएं ताकि ऑक्सीजन की मात्रा हम अधिक से अधिक बढ़ा पाए, और जितने भी ऑक्सीजन से भरपूर पेड़ हैं जो ऑक्सीजन ज़्यादा देते हैं, कोशिश करें कि हम उन्हीं पेड़ों को ज़्यादा लगाएं। आज जो कार्यक्रम चल रहा है कहाँ कहाँ चल रहे हैं? आज जो कार्यक्रम हुआ है कहाँ कहाँ चल रहे हैं? आज का कार्यक्रम जो है ये हरदनपुर में चल रहा है, रायबरेली में चल रहा है और ऐसी कई सारी नगर इकाइयाँ हैं जहाँ पे अखिल विद्यार्थी भारतीय परिषद ने एक हफ्ते प्लस का ये जो जागरूकता अभियान है ये प्रारंभ किया था और आज इसका समापन। आपके जो साथ में लोग हैं उनके थोड़े से नाम बता दीजिए हमें, सहयोगी जो हैं। ये अंजलि विश्वकर्मा है, ये हसनपुर से है, ये लालगंज से है। अपना परिचय दे दीजिए भैया। आशुतोष नाम है, विभाग संगठन मंत्री रायबरेली विभाग के। कोरोना की घात विशैली सभी ओर है हाहाकार, अपने घर क्या पूरे जग में हम करते सेवा का प्रकार। हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता इसी ध्येय से, इसी लक्ष्य को लेकर कि कोरोना को किस प्रकार से जड़ से मुक्त किया जा सकता है, उससे कैसे लड़ाई किया जा सकता है, इसी चलते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद रायबरेली जिले के कार्यकर्ताओं ने अलग अलग नगरों में ये मुहिम लिया है और पर्यावरण 5 जून पर्यावरण के पे एक सप्ताह का कार्यक्रम लिया था और उसका यही लक्ष्य था कि एबीवीपी फॉर एनवायरनमेंट, हम एबीवीपी के लोग एनवायरनमेंट के लिए क्या कर सकते हैं, कोरोना जैसे वैश्विक महामारी के लिए क्या कर सकते हैं। तो एक अभियान चला रहे हैं, एक बृहद रूप से अभियान चल रहा है, अखंड भारत में, समस्त भारत में चल रहा है चीज़। लेकिन रायबरेली ने पिछले 5 जून से लेके आज 12 जून समापन के रूप में विद्यार्थी परिषद ने ये छोटा सा कार्यक्रम रखा था जो बृहद मतलब शांतिपूर्वक था और एक मैसेज देने का कार्य समाज में कर रही थी। इसी के साथ हम जो है ये कार्यक्रम कर रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ अन्य भी कार्यकर्ता, कई सारे ऐसे कार्यकर्ता हैं जो अन्य अन्य अलग अलग नगरों में, अलग अलग रायबरेली के अलग अलग क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं। उसमें से जैसे यश श्रीवास्तव जी हैं, सूर्यांश जी हैं, मीनाक्षी मैम हैं, ऐसे जो है अपनी अन्य छात्रा बहने भी हैं। तो लालगंज है, हरचंदपुर है, बचरावा है, नगर जो है रायबरेली नगर है, ऐसे कई लगभग जो है रायबरेली के 16 नगरों में विद्यार्थी परिषद बृहद रूप से एक जो है पर्यावरण के लिए कार्य कर रही है, कोरोना जागरूकता अभियान के लिए कार्य कर रही है, चाहे वो स्क्रीनिंग का माध्यम हो या जो है वैक्सीनेशन के माध्यम, वैक्सीनेशन के लिए जागरूकता हो, सभी विद्यार्थी परिषद कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।